निकटवर्ती ग्राम मजेखेत में बीते 15 दिनों से पानी नहीं आने से उपभोक्ता भड़क गए हैं। नाराज उपभोक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा धरना दिया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने कहा कि नगर पालिका द्वारा संचालित की जा रही पेयजल योजना से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। योजना अक्सर खराब रहती है जिस कारण उन्हें नियमित तौर पर पानी नहीं मिलता है। उपभोक्ताओं ने एसडीएम से भी वार्ता की तथा समस्या से युक्त ज्ञापन भी सौंपा। उपजिलाधिकारी हरगिरी ने बताया कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण योजना क्षतिग्रस्त हुई है जिसे नगर पालिका द्वारा ठीक किया जा रहा है। जल्द ही माजियाखेत व कफल के क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। लगातार हम लोग पानी के लिए त्राहिमान हो रहे हैं। दीपावली का समय है, घर की साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग नहा नहीं पा रहे हैं। पानी ढोके कब तक लोग इंसान लाएगा। एक स्टैम्प पोस्ट है हमारे मजिया खेत में, वो भी कफल खेत में है, वो वहाँ से लोग पानी ढो रहे हैं। एक स्टैम्प पोस्ट मजिया खेत में था, वो भी बंद पड़ा है। हमने नगर पालिका में भी कहा कि वो स्टैम्प पोस्ट अभी खोल दीजिए करके, और लगातार हम जल संस्थान में कभी पानी नहीं आ रहा हमारे मजिया खेत में। और पालिका से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, साहब से भी बात कर रहे हैं, खेत वाले से भी हमने बात की थी, लेकिन कोई पानी की समस्या अभी तक हमारी दूर नहीं हो पा रही है। और जनता बहुत त्राहिमान है, बहुत परेशान हो चुकी है। अभी तक तो कोई संचालन, हम लगातार हमारे मजिया खेत की समय समय पर, परसों 3 दिन की बारिश हुई थी तब फिर लाइन ध्वस्त हो गई है। उसका परमानेंट तो कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं लोग। हम कब तक पानी के लिए ऐसे तरसते रहेंगे हम लोग। हम इसके लिए, हम जब तक हमारी पानी की समस्या दूर नहीं होगी, हम पूरा आंदोलन को तैयार हैं। हमारी मैडम ने बताया विगत 14-15 दिन से पानी नहीं आ पा रहा है। इसमें काफ़ी कमियां भी रह गई हैं, जो हमारी जो लाइन है, एक तो लाइन को प्रॉपर ढंग से अगर ये सुधारीकरण करें, उसमें कुछ खर्चा करें। आज देख लीजिए, 14-15 जब ये हमारी ग्राम सभा में थी तब ये काम हमारा 4 या 5 दिन में संपूर्ण हो जाता था, जिसमें हम भी उसमें भागीदारी, हम लोग सब लोग भागीदारी करते थे। आज 14 या 15 दिन हो गए, सभी लोग पूरे मज्जा खेत, सेंच, कफल खेत और अपना इधर तहसील कॉलोनी जो भी है हमारी, काफ़ी परेशानी परेशान हो गए हैं लोग। नदी से पानी ढो रहे हैं, धारे से पानी ढो रहे हैं। इसमें नगर पालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, प्रॉपर ढंग से उन्होंने काम करना चाहिए। नंबर दूसरी बात, जो हमारे लाइनमैन हैं, वो लाइनमैन प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके द्वारा ये काम नहीं हो पाता तो वो दूसरे को नियुक्ति दें, जो प्रॉपर ढंग से जिसने पहले काम करा उसको नियुक्ति दें। कोई दूसरे विभाग से आदमी आता है तो उसको पैसा उन्होंने उसको भी देना है। तो हमारी समस्या कुल मिलाकर दूर होनी चाहिए, नहीं तो हम आज हम ज्ञापन देने के माध्यम से यहाँ आए हैं, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मजिया खेत में मैंने पता किया क्योंकि मेरी जानकारी में भी था कि ये आपदा के टाइम पर जो इस समय थोड़ा अतिवृष्टि हुई है तो हमारी कुछ योजनाएँ प्रभावित हुई थी, और पेयजल की हमारी 5-6 योजनाएँ थी, बाकी योजनाएँ तो हमने समय पर दुरुस्त कर ली थी। उसमें मजिया खेत वाली की योजना है, जिसमें जो नगर पालिके की योजना है उसमें थोड़ा सा क्षति ज़्यादा हुई थी, और उस क्षति को दुरुस्त करने में समय भी लग रहा है, लेकिन मेरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी से भी इस मामले में बात हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि उनका जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है उस पाइपलाइन को जोड़ने के लिए आज उस पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आज शाम या कल तक पानी दुरुस्त हो जाएगा। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।